महुआ मंडी में नई कार्यकारिणी का चुनाव वकील अहमद राइन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर पांचवीं बार अवध गुप्ता तथा महामंत्री पद पर फिरोज अहमद राइन ने कब्जा बरकरार रखा। वहीं पहली बार उपाध्यक्ष पद पर सलीम अहमद मैकरानी, कोषाध्यक्ष शमीम अहमद राइन, संगठन मंत्री अतहर अली राजेश कुमार चुने गए। इस दौरान 251 लोगों ने नई कार्यकारिणी की सदस्यता ली। सभी ने नए पदाधिकारियों को महामंत्री फिरोज अहमद राइन ने शुभकामनाएं दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के संगठन मंत्री अतहर अली और महामंत्री फिरोज अहमद राइन ने कहा, मोहम्मद अतहर अली राइन, हम सभी व्यापारीगण हाथियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि मुझे उस लायक समझा गया है जो मुझे प्रथम बार संगठन मंत्री चुना गया और सर्वसम्मति के साथ माननीय महामंत्री फिरोज अहमद राइन के उपस्थिति में, अध्यक्ष की उपस्थिति में और सभी व्यापारीगण सदस्यगण की उपस्थिति में हमें संगठन मंत्री चुना गया। और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष सलीम अहमद मेघरानी साहब, कोषाध्यक्ष शमीम अहमद साहब को चुना गया है, संगठन मंत्री सतीश जी उर्फ बाले जी, राजेश कुमार जी को चुना गया है। ये सभी व्यापारी एकजुट होकर यहाँ उपस्थित हुए और सर्वसम्मति से सभी ने उनको चुना। मंडी के लिए आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? मंडी के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी हमारी समस्याएं हैं हमारे व्यापारियों की, हमारे आढ़तियों की, इस मंडी में जो भी कार्य हो रहा है, किसी प्रकार कोई समस्या हो, प्रथम उनको उसका कार्य को पूरा करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, अधिकारियों तक पहुँचाएँगे और उसका हल समाधान निकालेंगे। मेरा नाम फिरोज अहमद राइन, महामंत्री फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन गोरखपुर। सबसे पहले हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते उन सदस्यों का, उन व्यापारियों का कि हमको फिर से दोबारा महामंत्री चुन लिया गया है। शुक्रगुजार है आपके मीडिया के माध्यम से, उनका शुक्रगुजार है, आप मीडिया वाले को भी शुक्रगुजार है कि समय समय पे आप लोग आके सारी कवरेज करते हैं। और हमारे तरफ से ये उद्देश्य है कि व्यापारियों आढ़तियों का भला हो, साफ सफाई हो, मार्केट में दुकानें रंगाई पोताई हो और जो भी व्यापारियों की समस्या है वो मुख्य रूप से व्यापारियों समस्या लेके अधिकारियों प्रशासन को हम अवगत कराएं और सारी समस्याएं को निपटारा कराएं। आप मंडी के लिए क्या करेंगे? आपके लिए मंडी के लिए मुख्य रूप से यहाँ पे जैसे कि सड़कें यहाँ टूटी है, दुकान यहाँ पे सफाई नहीं हो रही है, यहाँ पे सुविधा नहीं सही तरीके से मंडी समिति के द्वारा मिल रही, जैसे पानी वगैरह की सुविधा या बारिश वगैरह में पूरी मंडियाँ जाम हो जाती, नाली वगैरह जो जाम हो जाती है उसके सफाई के लिए हम लगातार मैं कार्य करता रहूँगा।